देखिए विदेश में आपका धारा 45 चल रहा था भाई, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 45 से आपका एक क्वेश्चन बनता है, कल बता दिया था डिटेल में। अब आइए उसके बाद चला जाए धारा आपका, कर सकते हैं कि उसी बेरेट पर लिखते रहे सही रहेगा आपका। सबसे अच्छा इस समय तरीका है कि बेरेट पर छोटी छोटी बातों को भाई लिखते रहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका 45 ए बनता है, नई धारा है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक का मत, यानी कि आपका 45 ए। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माने परीक्षक का मत, तो ये भी विशेषज्ञ होगा। और जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि ऐसी दशा में किसकी राय सुसंगत होगी, तो बस एक लाइन जो लाख बैठे बया गया बैठे ना जवाना बैठे, बस एक लाइन आपका लास्ट लाइन जानना है। हेलो हेलो, हाँ बताएं। हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ कर देखिए भाई आपका इसमें एक लाइन बस क्वेश्चन बनता है, लास्ट वाली लाइन बस पकड़नी है कि किसकी राय सुसंगत होगी, तो आपका लास्ट लाइन है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत होगी, यानी कि यही बात याद रखिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक होगा यह एक्सपर्ट माना जाएगा, दो बात है, यानी कि धारा 45 ए में किसकी राय सुसंगत होगी, तो एक लाइन याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की, अब यह नहीं कि उल्टा सीधा चार ऑप्शन देगा। और यह क्या विशेषज्ञ माना जाएगा कि नहीं, तो बस एक लाइन अभी क्या माना जाएगा एक्सपर्ट, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो धारा 45 में 5 विषयों पर विशेषज्ञ की राय और धारा 45 ए में भी एक विशेषज्ञ हो गया, तो अब कितने बारे में 6। 45 से भाई पूछा गया है एमपीओपी में सतर्क रहिए। आइए अब आपका 46 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य, यहाँ से भी आपका सिद्धांत बनता है और सिद्धांत ये बनता है कि जो भी बातें या जो भी तथ्य या जो भी बातें विशेषज्ञ की राय का समर्थन करती है या जो भी बातें विशेषज्ञ की राय का विरोध करती है, वे सभी बातें धारा 46 में सुसंगत होगी। इसको दूसरी भाषा में ये कहा जाता है, उसको बैरक पर लिख लेना दूसरी भाषा में, कि विशेषज्ञ के राय के बारे में अवशेषी धारा कौन है, अवशिष्ट धारा कौन है, रिजुडियरी प्रावधान कहाँ है, ये पूछ सकता है, उसको लिख लीजिए। तो विशेषज्ञ के की राय के बारे में रिजुडियरी प्रावधान, इंग्लिश में रिजुडियरी और हिंदी में आपका लिखना हो तो अवशेषी प्रावधान या अवशिष्ट प्रावधान, उसको बेरक पर भी लिख लीजिए या अलग से एक लाइन लिखिए, अवशेषी अवशिष्ट या रिजुडियरी, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि विशेषज्ञ की राय का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले दोनों बातें की धारा में सुसंगत है, तो 45 तुरंत इसी 46 46 भाई 45 में तुरंत इसी के साथ आपका
सेक्शन 51 भी खूब पूछा जाता है। विशेषज्ञ की राय के आधार की धारा में खूब पूछा गया है। गलत न भाई, भंडार है फ्री का सब। विशेषज्ञ की राय का आधार किस धारा में, इसी के साथ पढ़ा जाता है। विशेषज्ञ की राय का आधार किस धारा में सुसंगत है, 51 मार्क कराइएगा। यानी कि आप राय, जैसे कि एक डॉक्टर है, वह बता रहा है कि गोली 25 मीटर से दूर मारी गई होगी। देख उदाहरण से पहले समझ लीजिए एक लाइन में। तो धारा 46 ये कहती है कि गोली 25 मीटर से मारी गई है, इस बात को जितनी भी बातें सपोर्ट करेंगी वो भी सुसंगत, और गोली 25 मीटर से नहीं मारी गई है, इस बात का जितनी भी बातें विरोध करेंगी वो भी धारा 46 में क्या होगी, सुसंगत। दोनों यानी कि खंडन और मंडन, यानी कि संपूर्ति और आपका क्या खंडन। धारा 51 एक लाइन बस ये बताती है कि डॉक्टर ने ये कहा कि गोली 25 मीटर दूर से मारी गई होगी, तो उसका आधार बताए। तो अगर डॉक्टर बेस या आधार बताता है तो ऐसी दशा में क्या वे आधार रेलेवेंट सुसंगत होंगे कि विसंगत होंगे, तो विशेषज्ञ की राय के आधार क्या होंगे, सुसंगत। दोनों के, विशेषज्ञ के भी और अविशेषज्ञ के। दूसरा क्वेश्चन 51 पर एक और बनता है, क्या कोई विशेषज्ञ अपने प्रयोगों का विवरण दे सकता है, और ये कई जगह बना है, अगर दे सकता है तो किस धारा में, 51। तो दोनों याद रखिए, राय के आधार और प्रयोग का क्या विवरण किस धारा में, 51। ये आपका नीचे लिखा गया, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन। आइए आपका 46 के बाद आया जाए आगे, यहाँ तक धारा 46 के बाद आपका 47 से लेकर और 50 तक अविशेषज्ञ की राय सुसंगत है। तो लिख लीजिए, तो 46 धारा 47 से लेकर और 50 तक में किसकी ओपिनियन सुसंगत है, विशेषज्ञ की अविशेषज्ञ की, दोनों। तो धारा 47 से लेकर 50 तक केवल अविशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट नहीं है, नया क्वेश्चन बन सकता है। लिख लीजिए भाई, धारा 47 से लेकर 50 तक किसकी राय सुसंगत है, तो अविशेषज्ञ। लिख लिए। अब धारा 47 से पिछली बार आपका यूपी में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ये आया था कि हस्तलेख के बारे में राय किस धारा में सुसंगत है। आ चुका है यूपी में, पिछली बार ही आया था, ये नहीं कि बहुत दिन हुआ। हस्तलेख के बारे में राय किस धारा में सुसंगत है, तो आपका जवाब रहेगा 47 में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय की धारा में सुसंगत है, तो धारा 47 में। तीसरा क्वेश्चन, हस्तलेख से परिचित कौन व्यक्ति माना जाएगा, तो दो तीन ऑप्शन देगा यूपी जैसे, जो लिखते हुए उस व्यक्ति को देखा है, जो लिखते हुए तो नहीं देखा लेकिन पत्रों के आदान प्रदान से वह जान गया है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, दोनों, या तो लिखते हुए देखा हो या लिखते हुए देखा नहीं, लेकिन हमेशा लेटरबाजी हो रही है, तो पत्र वाला केस कौन सा है, एविडेंस में धारा 10 में याद करना है कौन सा है लेटर पॉइंट। मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्पर, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पढ़ना होगा तो किताब में है। इसके बाद आपका देखिए एक और छूट गया था भाई, कल आपका केस पूछा गया है, ये एक दो लोग फोन किए बताए भाई, ये जो धारा 34 में एविडेंस में लेखा बही मैंने लेखा पुस्त लेखा मैंने पुस्तकों की प्रवृत्तियां थी, यानी कि अकाउंट यानी कि हिसाब किताब, उसमें केस छूट गया था, शॉर्टकट में बताया गया था, जैन हवा जैन डायरी में बताया था, लेकिन उसका पूरा नाम याद रखिएगा, लाल कृष्ण अडवाणी वर्सेस सीबीआई, लाल कृष्ण अडवाणी नाम है भाई। एक दो लोग फोन करके भाई अपना कैप छूटा है,
कल याद आ जाएगा तो बता देंगे। उज्जैन हवाला डायरी, लाल कृष्ण अडवाणी बाइज्जत बरी हो गए थे। क्यों? क्योंकि कोई डायरी में जो प्रविष्टि है वह अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगी। केवल डायरी में लिखने से किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये किस केस में आया? लाल कृष्ण अडवाणी। फिर बैक हो जाइए, 47 भी आपका हो गया। 47 के बाद 47 से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी? तो बस एक लाइन जानना है, पूछा भी जाता है किसकी राय सुसंगत होगी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रकर्ता जारी करने वाले का बस एक लाइन याद करना है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय किस धारा में सुसंगत, सेक्शन रख कर जाइएगा, कौन सी धारा 47 से किसकी राय सुसंगत होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले, बस एक लाइन इसके, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने वाले की, ज्यादा दिमाग अब ना लगाइएगा, बस इतना रट कर जाइए। इसके बाद 48 आ जाइए, अधिकार या रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होगी? तो ये 48 में है और 48 में भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि धारा 48 किसकी पूरक धारा है? तो 13 लिख लीजिए। तो अभी आपका जे मेल बना था बिहार, उसको लिख लीजिए। दो तीन लाइन धारा 48 धारा 13 की पूरक धारा है, पहला क्वेश्चन। चार लाइन लिखिए ताकि इसी में क्वेश्चन आ जाए। धारा 48 किसकी पूरक धारा है? 13 की पूरक धारा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यूपी का मॉडल हो गया ना, 13 की पूरक धारा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अभी आपका झारखंड में भी बना था और बिहार ने भी बना दिया कि प्रथा तथा रूढ़ किन किन धाराओं में सुसंगत है एविडेंस की। तो तुरंत लिख लीजिए कि प्रथा और रूढ़ एक जगह लिखिए। धारा 13 धारा 32 का खंड 4, 32 का खंड आपका 7, धारा आपका 48 और धारा 49 भी है, धार्मिक प्रथाएं। एक जगह फिर लिखे तो भाई अभी जे में आया था 13 यानी कि 32 का क्लाज 4, 32 का क्लाज 7, 48, 49 और एक आपका इधर 92 का, हाँ पांच धारा 92 का प्रोविजो 5, और पूछा नहीं गया, पूछ सकता है धारा 92 का परंतु कौन सा 5, ये रट कर जाइएगा। ये भाई जो भी कारण हो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, झारखंड में भी आया और बिहार जे भी रिपीट किया। अब फिर आपका यूपी जे का मॉडल आ जाया जाए, धारा 13 और 48 पर अलग से पूछा गया है कि धारा 13 में कौन सी प्रथा रूढ़ सुसंगत है और धारा 48 में कौन सी। तो धारा 13 में लिखे सभी प्रथाएं रूढ़ियां, एक लाइन अलग बनाइए, क्वेश्चन यूपी का मॉडल है। धारा 13 के तहत सभी कस्टम और यूजेज यानी कि प्रथा और रूढ़ सुसंगत है। जबकि धारा 48 के तहत केवल सामान्य प्रथा और रूढ़ सुसंगत है। गलत न हो मैं बता दूं, ये यूपी जेक में भी दो तीन बार आ चुका है। धारा 48 के तहत कौन सी प्रथा रूढ़, सभी नहीं, कौन सी केवल सामान्य, ये हम नहीं बता रहे, धारा 48 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है। आप देख सकते हैं धारा 48 के स्पष्टीकरण देखिए, साधारण रूढ़ या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़िया या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए क्या है, विशिष्ट है कि सामान्य है, सामान्य। तो रट कर जाइएगा, 13 में सभी प्रथा रूढ़ और 48 में केवल सामान्य। इसके बाद 49 आपका पूछा भी गया है, ये एक साथ पूछा गया है,
प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय, यानी कि धार्मिक संस्थाओं की प्रथाएं या धार्मिक संस्थाओं के सिद्धांत, तो किस धारा में बस धारा याद रखना, किसमें ऊंचा। फिर यूपी में आपका एफपीओ में धारा 50 आ गया और धारा 50 का कह सकते हैं दृष्टांत आ गया यूपी एफपीओ। पहला क्वेश्चन, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होगी, तो धारा 50 या चुका अंडरलाइन करिए। कोई ऐसी धारा इधर नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं भाई, बैठे भाई तीन लोग बैठे एक पर। पहला क्वेश्चन आपका नातेदारी या रिलेशनशिप के बारे में राय की धारा में सुसंगत, तो धारा 50 में। दूसरा क्वेश्चन, विशेषज्ञ की राय की अविशेषज्ञ, अविशेषज्ञ नातेदारी के बारे में जानने के विशेष साधन रखता हो, और दृष्टांत आपका, देखिए दृष्टांत आपका यूपी एफपीओ में आया था और कई लोग गलत करके आ गए। अब विवाद ये उत्पन्न हो गया, क्या क्या ए और बी विवाहित हैं, तो लोग कहीं और ले जाकर इसको जोड़ने लगे, जोड़ना नहीं है। जैसे नातेदारी आ जाए तो कौन सी धारा रिश्तेदारी निभाना है, 50, और अविशेषज्ञ की राय सुसंगत जो उनके रिलेशन के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं। आइए इसी में लिव इन रिलेशनशिप भी आ जाएगा, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप भी आ जाएगा, और वहाँ जो आसपास के समाज के लोग किसी पुरुष और स्त्री को पति पत्नी मानते हैं, तो उनकी राय भी क्या हो जाएगी, सुसंगत समाज की राय जो आसपास के लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको सतर्क दो दृष्टांत दिए गए हैं, और धारा के बाद दोनों दृष्टांत पढ़ कर जाइएगा यूपी एफपीओ का मॉडल। देखिए पहला दृष्टांत, प्रश्न यह है कि क और ख विवाहित हैं, यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति पत्नी के रूप में जाने जाते थे, तो बताइए मित्र आकर ये गवाही दें कि हजूर हम लोग तो पति पत्नी मानते थे और बाद में पता ना क्या हुआ, हम लोग तो इन लोगों को क्या मानते थे, पति पत्नी अब आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। तो आप लोग जानिए क्योंकि समाज में भाई कबीरा इस संसार में भात मात के लोग, तो भाई उसके आगे हमारे मैंने कह सकते हैं कि क्षेत्राधिकार क्या हो जाता है। अब संविधान चलेगा तब क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। देखते दूसरा दृष्टांत, ये पूछा गया है, अंडरलाइन करिए, यूपी में पूछा गया है एफपीओ में। दूसरा दृष्टांत देखिए, प्रश्न यह है कि क्या क और ख का धर्मज पुत्र है, यानी कि क्या क ख का वैध पुत्र है परिवार में, माने क को ख का वैध पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, लालन पालन हुआ, तो परिवार के लोग अगर आकर राय दे ये तो इन्हीं का पुत्र है वैध, तो बताइए नातेदारी हो गई इतने केवल विवाह ही नहीं, नातेदारी माने पुत्र पुत्री पत्नी पति सब हो जाए। तो पहला आपका विवाह का है और दूसरा किसका उदाहरण है, पुत्र का। विवाह वाला पूछा गया है, 51 बता ही दिया गया, राय के आधार कब सुसंगत होंगे, तो जब राय सुसंगत तो उसके क्या सुसंगत आधार, तो विशेषज्ञ अपनी बताइए प्रयोग का वर्णन कर सकता है कि नहीं, तो कहाँ दिया गया है, तो धारा 51 में एक ही तो दृष्टांत है। देखिए खूब पूछा जाता है, कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है, ये किस धारा में है, तो सेक्शन रट कर जाइए, कई बार पूछा गया है क्या। अब विशेषज्ञ अंत में विशेषज्ञ के राय का साक्षिक मूल्य पूछा जाता है, संपोषक साक्ष की सारवान साक्ष माना जाएगा, तो क्या मानेंगे, संपोषक, लेकिन कमजोर साक्ष होता है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि एक तरह से आपका वीक एविडेंस होता है, यानी कि कमजोर थोड़ा साक्ष होता है। इस प्रकार आपका ओपिनियन भी समाप्त हो गई। अब आइए ओपिनियन के बाद आ जाए थोड़ा करेक्टर देख लिया जाए लोगों का, यानी कि अभी हमने आपका धारा 50 में एक करेक्टर देखा पति पत्नी का, मित्र पति पत्नी जानते थे, और यानी कि लिव इन रिलेशनशिप का मामला, तो अब करेक्टर थोड़ा देख लिया जाए। वैसे भाई पढ़ाते समय तो आपका
समय रहता तो बहुत अच्छे से करेक्टर बताया जाता है, क्योंकि आपका लेकिन अब ये है कि समय नहीं है और केवल आपका 5-7 मिनट में 10 मिनट में क्या कर देना है, तो बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण बताया जाता है। इसको देखिए आपका बताया जाए, देखिए आपका 2-4 लाइन फिर भी बताया जाए भाई। पहला क्वेश्चन ये आपका आता है कि धार सील का साज या करेक्टर का साज किस धारा से किस धारा तक में रेलेवेंट बनाया गया, तो आपका जवाब रहेगा धारा 52 से लेकर कहाँ तक 55। पहला क्वेश्चन, सील के साक्ष को 2 भागों में बांट दीजिएगा, आपका ये भी उत्तराखंड पूछा है, धारा 52 और 55 उसको बंटवारा करिए, सील को बंटवारा करिए पहले, धारा 52 और 55 केवल सिविल मामलों में लागू होगी, ये जरूर याद रखिएगा। धारा 52 और 55 केवल सिविल मामलों में लागू होगी और सेक्शन 53, 53A और 54 केवल दांडिक या क्रिमिनल या अपराध। बंटवारा कर लीजिए, फिर एक बात बता रहा हूँ गलत हो जाता है, धारा 52 और 55 किस मामले में सिविल में और धारा 53, 53A और 54 केवल किस मामले में क्रिमिनल, ये बंटवारा कर लेना। अगला क्वेश्चन आइए, 1-2 मिनट भूमिका बांधे ज्यादा तो नहीं। देखिए आपका सील का, हाँ सील जो होता है आपका या चरित्र होता है आपका, यहाँ आप कह सकते हैं कि कहावत भी कही जाती है कि अगर धन चला गया तो फिर कमा ले, जैसे लॉकडाउन आया धन लोगों का खत्म हो गया तो फिर लोग कमाना शुरू किए, और स्वास्थ्य माने कुछ धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, और अगर एक बार चरित्र चला जाए, सील चला जाए, ख्याति चली जाए, प्रसिद्धि चली जाए, यानी कि करेक्टर चला जाए, तो वह फिर वापस नहीं आता, अतः चरित्र को आपका चरित्र या माने करेक्टर को साक्ष में सुसंगत भी बनाया गया है, तमाम अब नियम कायदे हैं, और आपका चरित्र पर के हनन को आपका अपराध भी बनाया गया है 499 IPC 500, 501, 502। कौन सा अपराध होगा ख्याति को ठेस पहुंचाने पर, मानहानि, और धारा 499 में कितने अपवाद है IPC में 10, और मानहानि के लिए आप अपकृत विध के तहत क्या वसूल सकते हैं, हुआ। लेकिन अब ये आया कि करेक्टर को जब भी पढ़िए तो भाई 3-4 धाराएं एक साथ पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि धारा 52 से लेकर 55 तक किसका सील के बारे में दिया गया है, पक्षकारों का, गवाहों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, किसका सील है ये, तो गवाह का सील मैं बताया था आगे, ये किसका सील है, पक्षकार, लिखिए एक लाइन, इन धाराओं में केवल पक्षकारों का सील सुसंगत है, गवाह न मार दीजिएगा, गवाह का भी हम अलग धारा लिखवा रहे हैं, धाराओं में दम नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट जो 2-4 बनाया जा रहा है वह याद रखिए। ये पूछ सकता है पक्षकार की, गवाह की, दोनों, तो केवल किसका, पक्षकार, दूसरा आपका मन से दूसरा आपका कवर करना है कि आखिर गवाह का सील क्या होगा, तो गवाह का जो सील होगा यानी कि वह 146 में जाएगा, और 146 में डिटेल में बताया था प्रोविजो 3 बार संशोधन किया गया, आपका गुरमीत कौर के केस में बेस्यावाला, 2013 में आपका मैंने पूर्व लैंगिक अनुभव, और तीसरा 2018 में संशोधन हुआ यानी कि गवाह के सील, गवाह का सील के धारा में इधर नहीं है उधर। अब आइए अगला क्वेश्चन, 146 भी कवर करिएगा गवाह का सील, इसके बाद हमने 140 बताया था जो हमेशा पूछा जाता है
और वह पूछा जाता है कि जो गवाह सील का साक्ष्य देने आया है क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रत परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। कौन सी धारा में 104 कौन सी धारा भाई देखिए 140 भी कवर करना है कंपटीशन के लिए 146 का परंतु महत्वपूर्ण है 146 तो पूरा और तब 52 से लेकर कहाँ तक 55। अब इसी के साथ आपका मैंने अभी पीछे भी आना है धारा 12 भी कोरिलेट करनी है। धारा 12 ये बताती है 12 भी कोरिलेट करना है इससे धारा 12 ये बताती है कि ऐसे सभी तथ्य जो न्यायालय को रकम अवधारित करने में सहायता करते हैं या जिस आधार पर न्यायालय रकम अवधारित कर सकता है कितना किसको मिलनी चाहिए तो ऐसे सभी तथ्य किस धारा में सुसंगत है 12 और धारा 12 से जोड़ लेना है 55 को। धारा 55 कहती है कि ऐसा करेक्टर ऐसा सील जो नुकसानी की रकम को अप या डाउन करे यानी कि या तो बढ़ा दे या क्या करे घटा दे वो सील क्या होगा। तो धारा 12 की पूरक धारा कौन है 55 लिखिए। धारा 12 की पूरक धारा 55 है मैंने कुछ अंश पाए जाते हैं ये नहीं कि 12 एक व्यापक है लेकिन उसका करेक्टर में कौन हो जाएगा 55। ये आपका याद करिएगा थोड़ा कठिन है काम भाई याद करना। इसके बाद आपका सामान्य नियम में अगला क्वेश्चन अटैक किया है कि करेक्टर का मतलब क्या हुआ सील का मतलब क्या हुआ। अब देखिए क्या क्या पूछा है 55 का स्पष्टीकरण तुरंत निकालिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ खोजना है तुरंत धारा अभी सेक्शन नहीं शुरू हुआ सेक्शन में तो 5 मिनट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट ही मेन है जो आपका क्वेश्चन गलत होगा। करेक्टर का मतलब क्या हुआ ये कई बार यूपी और उत्तराखंड बनाया है भाई गलत ना हो। अब देखिए क्या क्या बनाया है क्या दूसरा दिया स्वभाव तीसरा दोनों इनमें से कोई नहीं तो क्या मार्क कराएंगे दोनों यहाँ तक तो ठीक है दोनों। अब अगला मॉडल देखिए साधारण ख्याति और स्वभाव विशिष्ट ख्याति और स्वभाव दोनों इनमें से कोई नहीं यही कठिन है और यही सब लोग नहीं पकड़ेंगे। इसको लिखिए भाई इसको छोड़िए ना जो मैंने एक दो लोग ही पकड़ पाएंगे 1% उसको तो लिखिए ताकि वही तो एक दो क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएगा। सील को धारा पूरा वाक्य लिखिए हम बता दे रहे हैं सील को धारा 55 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया करेक्टर को इसको एक लाइन लिखिए नहीं ये छोड़ा नहीं जा सकता भाई सील को धारा 55 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव ही साधारण को सामान्य भी दे सकता है जिसके अनुसार केवल साधारण ख्याति या साधारण स्वभाव ही सील के अंतर्गत आता है। अब एक लाइन और यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या विशिष्ट ख्याति और स्वभाव आपका सील के अंतर्गत शामिल है किस धारा वही पॉइंट पकड़ना है भले अब मतलब समय नहीं है ज्यादा नहीं तो देखिए एक सेक्शन अपवाद दिया गया भले आप न पढ़ पाए लेकिन इतना घुमावदार लिखा गया है एक सेक्शन अपवाद है अगर अंदर से पूछ ले तो देखिए एक सेक्शन अलग दिया गया है कौन सा सेक्शन 54 के सिवाय यानी कि 54 को छोड़कर यानी कि लिखिए धारा 54 के तहत एक अपवाद है धारा 54 के तहत
विशिष्ट ख्याति तथा विशिष्ट स्वभाव सुसंगत विशिष्ट ख्याति और विशिष्ट स्वभाव सील में शामिल है। सब में नंबर दीजिएगा, केवल एक सेक्शन हम बता रहे हैं, कौन सा 54। यहाँ से काफी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, जो ना पकड़ पाएगा भाई आपका वही दो चार क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएगा, ये जल्दी बताया नहीं जाता कोई जितना अंदर तक। अगला आ जाइए, अब सेक्शन देखिए भाई, धारा 55, पहले 55, 52 और 55 निपटा दिया जाए दो मिनट में। देखिए आपका धारा 52, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है तो सामान्यतः सिविल मामलों में सील क्या होता है? विसंगत होता है कि सुसंगत? साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया सकता। कौन सी धारा? 52। लेकिन इसका अपवाद कहाँ दिया गया है? 55 में। तो पहला क्वेश्चन बना लेना है, अगला क्वेश्चन कि धारा 52 का अपवाद धारा 55 है, ये भी पूछ सकता है। लिखिए धारा 52 का अपवाद कौन सी धारा है? 55। देखिए अब तो बैरेट दो दो लाइन रहेगा, बहुत ज्यादा आपका मैंने बस आपका 54 में ही भार मारता है थोड़ा। देखिए भाई आपका सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संप्रिक्त संप्रिक्त मैंने जुड़ा हुआ व्यक्ति का सील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य यानी कि पूरी संभावना है या अनधिसंभाव्य बना देता है यानी कि पूरी संभावना नहीं, विसंगत है वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। यानी कि कब धारा 55 में सिविल मामलों में सील सुसंगत होगा? तो जब वह अन्यथा तथ्यों से प्रकट हो। अब समझना अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा तथ्यों से प्रकट हो का मतलब ये हुआ कि कोई बैठे भाई आगे आ जाइए, इधर जगह ना हो तो मैं जगह बैठा जाए भाई, पीछे लोग पीछे पसंद करते हैं भाई, आगे हम लोग बैठते हैं, पीछे आराम रहता है ना थोड़ा बैठने में। देखिए आपका यहाँ अन्यथा बस एक लाइन जानना है, अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है इसका मतलब ये हुआ, यही जानना है ठीक से, कि कोई आपने तथ्य पेश किया और अलग से नहीं बल्कि उसी तथ्य में उस व्यक्ति का सील भी क्या है? सुसंगत। मैंने कोई बात आपने साक्ष में पेश किया, कोई लेटर पेश किया और उसी लेटर में उसका क्या दर्शा जा रहा हो रहा है सील, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अलग से कोई तथ्य नहीं पेश किया उसी में उसका सील भी दर्शित हो रहा है। तो उतना भाई देखिए अब समझाना संभव नहीं है, आपका धारा 55 आ जाइए 52 के बाद। धारा 55 एक लाइन की है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत होगा। तो धारा 55 किसके अपवाद है? 52 का अपवाद है। 52 में सिविल मामलों में सील विसंगत और वही आपका नुकसानी को क्या कर दे? अप डाउन कर दे। तो धारा 55 में क्या? सुसंगत। तो धारा 55 किसका अपवाद है? 52। रटे रहिए, किसका अपवाद है? तो एक अप डाउन करा दिया जब भाई आपका करेक्टर, तभी तो रकम। जैसे कि मान के चलिए आपका राखी सावंत जी है, उन्हीं पर उदाहरण दे दिया जब बहुत दिन हो गया उदाहरण चले हुए, राखी सावंत जी है और आपका कह सकता है दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह ने राखी सावंत पर कमेंट किया तो उन्होंने 50 करोड़ का दावा आपका ठोक दिया है दिग्विजय सिंह पर। अब इस मामले में करेक्टर को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि किसका करेक्टर हाई किसका लो, तो दिग्विजय सिंह दिखाएंगे कि इनका करेक्टर तो क्या है? लो है, एक पैसा हम मुआवजा नहीं देंगे। तो जो रकम को कम करे करेक्टर हो धारा 55 में क्या? और आपका राखी सावंत दिखाएगी कि हमारा करेक्टर हाई लेवल का है अतः पूरा 50 करोड़ रुपया क्या किया जाए। तो जो करेक्टर क्या करे, चरित्र क्या करे, स्वभाव और ख्याति अप कर दे, रकम को या क्या कर दे,
डाउन दुखी धारा में सुसंगत आपका बचपन उधारा पाउन का अपवाद कौन हो गया बचपन। अब तो याद रहेगा कि और उदाहरण दो तीन दे। चलिए आगे बढ़िए भाई, धारा आ जाइए, ये सिविल में लागू होगी। क्रिमिनल में धारा 53 है 54, तो आइए 53 देखा जाए। इसको पूछा जाता है 53 है तो दो, आपका ये भी चांस है। धारा 53 कहती है, देखिए भाई धारा 53 निकाल लीजिए। सांकेतिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा सिविल सुसंगत है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त सदैव अपना अच्छा सिविल का साक्ष्य दे सकता है कि हजूर हमारा करेक्टर बहुत क्या है, हाई लेवल का है, हमारे ऊपर कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगा, ये फर्जी इल्जाम लगा है और कभी भी हम किसी अपराध में मैंने आरोपी नहीं बनाए गए। बताइए आपराधिक मामलों में अभियुक्त का अच्छा सिविल सुसंगत की विसंगत, सुसंगत की धारा में 53 की धारा में 53 पाला क्वेश्चन। जैसे ही अभियुक्त अपना गुड करेक्टर दिखाएगा तो तुरंत उस प्रश्न को काटने के लिए, यानी कि आपका अभियुक्त के गुड करेक्टर का उत्तर देने के लिए कौन सा करेक्टर आपका उसका सुसंगत हो जाएगा बैड, यानी कि फिर याद रखे अभियुक्त का बुरा सिविल कब सुसंगत होगा, तो आपका बस एक लाइन, जब वह अच्छा सिविल दिखाए और अच्छे सिविल का उत्तर दीजिए किससे, बुरे सिविल, यानी कि एक शब्द पकड़िएगा वही आपका गलत होता है। कि उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का पूर्वतन बुरा सिर विसंगत होता है, यानी कि कब विसंगत होगा, तो यही वाक्य पकड़िएगा, उत्तर में 54 चल रही है धारा, उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का बुरा सिर विसंगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त अपना धारा 53 के तहत कौन सा करेक्टर दिखाए अच्छा, तो उसको काटा जाएगा और उसको काटने के लिए उसके करेक्टर को क्या दिया जाएगा, बुरा सिल, अन्यथा उसका बुरा सिल दिया नहीं जाएगा। तो जब तक अभियुक्त अच्छा ना दिखाए सिल, तब तक उसका बुरा सिल विसंगत। लेकिन इसके दो अपवाद है, चाहे अभियुक्त अपना अच्छा सिल दिखाए न दिखाए, उसका बुरा सिर दिखाया जा सकता है, तो दो आपका अपवाद है और वही अपवाद अच्छे से तैयार रखना है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्पष्टीकरण अपवाद नहीं है, स्पष्टीकरण है भाई, स्पष्टीकरण संख्या याद करके जाइएगा, मैं बता रहा हूँ ये नहीं कैसे। धारा 54 का पहला स्पष्टीकरण देखिए, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा सिर स्वयं विवादक तथ्य हो। तो आप लोग बताइए एक लाइन, कब बैड करेक्टर ही फैक्ट इन इशू या बैड करेक्टर पर ही विवाद होता है, तो किन मामलों में बैड करेक्टर पर विवाद होता है, अभी हमने बताया मानहान भाई, मानहान में एक आदमी कहता है कि हमारा, राखी सावंत कहेगी कि हमारा करेक्टर क्या है आई, और दिग्विजय सिंह क्या कहेंगे, इनका करेक्टर तो सबसे लो है, हम एक पैसा नहीं देंगे, तो किस मामले में करेक्टर ही विवादित होता है, ना समझना है तो लिख लीजिए मान यहाँ डिफमिनेशन, वही बैरेट पर लिख लेना चाहिए कौन सा। तो जहाँ करेक्टर ही विवाद है वहाँ आपका भले अच्छा सिल न दिखाया भी उसका बुरा सिल दिया जा सकता है। और 54 का स्पष्टीकरण दो जरूर याद रखे, पूर्व दोष सिद्धि, भले अभियुक्त अपना अच्छा करेक्टर न दिखाए, अगर पहले वह किसी अपराध में सजा पाया है तो बिना उसके अच्छा करेक्टर दिखाए बुरा सिर दिया जा सकता है, किस मामले में, पहले ही वह एक बार क्या हो चुका है, पूर्व दोष सिद्धि, तो फिर पूर्व दोष सिद्धि को रट डालिए, आपका पूछा जाता है बताइए फिर एक बार पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ सुसंगत है, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, पहला बता रहा हूँ आपको, कह सकते हैं धारा 14 का कौन सा स्पष्टीकरण दो, किस रूप में, नहीं पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में भी देखना है, किस रूप में, तो मन की बुरी दशा, किस रूप में, हाँ मन की बुरी दशा,
फिर आपका आ गया पूर्व दो सिद्धि धारा 40 किस रूप में, पूर्व निर्णय के रूप में, किस रूप में, रेजुडिकेटा के रूप में। फिर आ गया आपका पूर्व दो सिद्धि धारा 54 का स्पष्टीकरण दो किस रूप में, बट करेक्टर के रूप में, किस रूप में। और 153 का अपवाद नंबर कौन बताया गया था परसों, फर्स्ट, कि जब पूछा जाए कि क्या तुम पहले सजा पाए हो और गवाह कहता है नहीं, तो उसके उत्तर का खंडन करने के लिए पूर्व दो सिद्धि क्या होगी, सुसंग। और ये याद रखे, एक क्वेश्चन निश्चित आता है यहाँ से पूर्व दो सिद्धि से। अगला देखिए भाई, आपका 54 हो गया, अब एक धारा बची 53 है, 53 ए आपका पूछी जा रही है वर्तमान समय में। लिख लीजिए भाई, 53 अलग से लिखिए, थोड़ा इसका तब लागू हुई होगी लिखना पड़ेगा भाई, यूपी जे और एपीओ दोनों में आया था ये। कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना, कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना, तो पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य की धारा में विसंगत बनाया गया है 53 ए। पहला क्वेश्चन यह है, पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत होगा 53 ए में। फिर क्वेश्चन बना है कि 53 ए कब जोड़ी गई, तो 2013 में, किस समिति की सिफारिश पर, तो लगातार मैं रटवा रहा हूँ, किस समिति, जेस वर्मा, कब से लागू हुई, कल ही पक्ष बताया गया 3 फरवरी 2013। और इसी के साथ 146 के परंतुक में भी क्या किया गया, संशोधन की प्रतिस्थापित की गई परंतु, और वहां भी अब दो बातें आ गई, एक आपका अनैतिक आचरण यानी कि वेश्या के बारे में नहीं पूछा जा सकता, और दूसरा पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में भी। वाकई धारा 53 एक बस लाइन याद रखने लायक, धारा 53 है और 146 के परंतु में अंतर क्या, तो अंतर ये है कि ये धारा 53 ए हम बता रहे हैं 52 से लेकर 55, ये केवल पक्षकार का करेक्टर है और 146 कौन है, गवाह, यानी कि पीड़िता का करेक्टर विसंगत आपका 53 है और वह गवाह के रूप में आती है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, नहीं, कौन सी धारा 146 का परंतु, तो याद रखिए पक्षकार बताया जा रहा है, गवाह कहाँ जाएगा 146 के किस में, हो सकता पूछ ले भाई ये 53 है लागू होगी, तो आपका मैंने पक्षकार गवाह, गवाह नहीं, गवाह के लिए 146 का कहाँ संशोधन है परंतु। इस प्रकार इधर से भी आपका सेक्शन निपट गया। अब आइए थोड़ा जो बचा है भाई आगे देखा जाए, आपका एक एक चैप्टर आपका उठाया जाए भाई, ये देखिए भाई फिर बैक एक बार हुआ जाए आपका, धारा 17 से शुरू करिए, पीछे छोड़ दिए, धारा 17 निकाल लीजिए ताकि एक बार में ये पढ़ाया जाए, उसके बाद आपका यहाँ से थोड़ा स्पीड में पढ़ाया जा सकता है ना। धारा 17 निकाल लीजिए भाई, धारा 17 शुरू करिए, इसके बाद धारा 17 से 32 तक पढ़ाना है, 17 दुनी 34, आज भले कुछ चले ना चले लेकिन एविडेंस तो निपटा ही देना है ना, ताकि आपका यह एविडेंस यहाँ से पढ़ाते हैं सेकंड पीरियड में आईपीसी भी भाई आज निपटाना है, देखते हैं थोड़ा 10 मिनट समय बढ़ा देंगे आपका, क्योंकि कल से संविधान लगा देना, हर हाल में 2 दिन हाँ भाई बता दिया जाए, 2 दिन संविधान चलेगा 3-3 घंटा, और जो लोग भाई पहले निकल रहे हैं वह वीडियो देख लेंगे पर तुरंत अपलोड हो रहा है, कम से कम एक बार 2-3 घंटा निकाल कर वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूरा संविधान अच्छे अच्छे प्रावधानों को मथा जाएगा, ये सही सिद्धांत है 2 दिन के अंदर, और प्रयास किया जाएगा कि 60% क्वेश्चन क्या हो आ जाए कम से कम 2 दिन। देखिए भाई आगे लिखे आपका धारा, हेलो
तभी हम फोन करते हैं थोड़ी देर बाद क्लास में। देखिए आपका 17 से लेकर और आपका मैंने इधर चला जाए मैंने आसान आसान है। पहले ये क्वेश्चन बनता है कि एडमिशन या स्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 17 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है, तो एडमिशन का प्रभाव धारा 31 में देखिएगा और 31 तुरंत कोरिलेट कर लेना है। एडमिशन किस रूप में प्रवर्तित होता है, तो आपका किस रूप में, स्टापेल के रूप में, विभज्य के रूप में, लिख लीजिए। तो ये कई बार क्वेश्चन आया धारा 31 याद रखिए। स्वीकृति का आपका पूछा जाता है एविडेंशियल वैल्यू की धारा में, तो धारा 31 इस रूप में इन्फोर्स होगा, स्टापेल या विभज्य रट कर जाइएगा। इसके बाद स्वीकृति कौन कर सकता है और कब करेगा, इसका उल्लेख आपका धारा 18, धारा 19 और धारा 20 में दिया गया है। स्वीकृति की परिभाषा बता दी जाए, स्वीकृति वह मौखिक, लिखित या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विक कथन है जो मैंने किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ इशारा देती हो, अनुमान देती हो, और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में की गई हो जो जिनका वर्णन अगली धाराओं में यानी कि कहाँ है, धारा 18, 19 और 20। वैसे परिभाषा से समझ में नहीं आएगा जो लोगों को, तो दो तीन धारा रट्टा मारे ना है तो भाई। अब स्वीकृति आपका किसके बारे में किया जा सकता है, तथ्य की स्वीकृति सुसंगत होगी कि विद के बारे में कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका यही क्वेश्चन आता है। लिखिए भारत में केवल तथ्य की स्वीकृति सुसंगत है, अलग से लिखिए कई बार आ चुका है। भारत में केवल तथ्य की स्वीकृति सुसंगत है जबकि इंग्लैंड में तथ्य तथा विधि दोनों की, जबकि इंग्लैंड में तथ्य तथा विधि दोनों की। ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है भाई, आपका ज्यादा क्वेश्चन बना है। स्वीकृति कौन कर सकता है भाई, इसके लिए उपाय ये है कि धारा 18 UPFU ने जो क्वेश्चन बनाया कि स्वीकृति कौन कर सकता है, पक्षकार, उसका अभिकर्ता, हित प्रतिनिधि, इत्यादि उपायुक्त सभी। एक बार भाई देखिए आपका घर पे कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हम इतने कम समय में सब पढ़ा दें, तो आपका ये जवाब रहेगा उपायुक्त सभी। तो धारा 18 में 5 व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं, एडमिशन। धारा 19 आ जाइए, आपकी धारा में तृतीय व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत है 19 में, और धारा 20 में रेफरी का सिद्धांत। तो धारा 20 से ही आपका ज्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए धारा 20 का आप धारा 20 याद रखिएगा भाई, धारा 20 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। धारा 20 से जो क्वेश्चन बनता है लिख लीजिए, रेफरी का सिद्धांत की धारा में तो कौन सी धारा मार कर आएंगे, धारा 20। देखिए रेफरी का सिद्धांत एक बता दिया जाए और सतर्क रहना है यहाँ कंपटीशन से एक शब्द पर। देखिए ए बी और सी, ए ने सी को नियुक्त किया है कि जो भी आए तुम घोड़े का क्या बता देना, नाम या घोड़ा अच्छा है कि बुरा बताते रहना। बी ए के पास जाता है और ए से कहता है कि हे ए तुम्हारा घोड़ा कैसा है, मैंने दाम नहीं क्योंकि जो दृष्टांत दिया गया उसी पर अटैक किया जाए। बी जाता है ए के पास, पूछता है कि तुम्हारा घोड़ा कैसा है, तो ए कहता है कि जाकर किससे पूछ लो, सी से, घोड़े के बारे में मैंने बताने के लिए किसको ऑथराइज किया है, सी को,
तो जो सी बता देगा सी रेफरी का काम करेगा, और जो सी बता देगा इसके प्रथम से ए क्या होंगे, बाध्य होंगे, मुकरेंगे नहीं। यानी कि सी के प्रथम से किस पर स्टॉपेज लग रहा है, विवाद किस पर लग रहा है, इसको मुकरने से रोक दिया जा रहा है, तो एम्पायर कौन हो गया, सी। अब एक शब्द पकड़ना है कंपटीशन के लिए, वह शब्द आपका ये पकड़ना है कि सी को ए द्वारा कैसे प्राधिकृत किया गया, वही अंडरलाइन करिए। अब देखिए यही आपका यूपी फंसाता है, छोटी छोटी बातें, एक्सप्रेस रूप से, इंप्लाइड रूप से, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बेयरेट की भाषा एक बार कवर कर लीजिएगा, कब प्राधिकृत कैसे किया गया हो, अभिव्यक्ति की विवक्षित की दोनों। देखिए स्पष्ट बेयरेट की भाषा लिखती है क्या, केवल अभिव्यक्ति, विवक्षित ना मात्र है, उसको अंडरलाइन करिए। ये क्वेश्चन भी कई लोग पकड़ नहीं पाते। देखिए हमारा कर्तव्य है इस समय कि जहाँ से आप गलती कर सकते हैं उसी गलती को उजागर करके उसको बेयरेट पर चिन्ह लगवा जाए, क्योंकि पूरा पढ़ाना भाई बस की बात नहीं है, बस गलतियों को आप क्या करिए, दो चार सुधार। इसके बाद धारा 21 से लेकर 23 तक में स्वीकृति कब सुसंगत होगी, तो उसका उपाय यह है कि धारा 21 से पूछा जाता है कि स्वीकृति किसके विरुद्ध सुसंगत होगी, तो जो स्वीकृति किया है और उसके हित प्रतिनिधि, तो स्वीकृति किसके विरुद्ध सुसंगत होगी, जो किया है और उसके हित प्रतिनिधि, जिसके विरुद्ध। देखिए धारा 21 आपका बता दिया जाए, मैंने पढ़ाना संभव नहीं है शॉर्टकट, बस एक लाइन याद रखिए, आपको घर के लिए भी कुछ छोड़ा जा रहा है कि धारा 21 में जो प्रावधान है आपका घर पे पढ़िए, और कुछ ना आए तो दृष्टांत रट्टा मार कर जाइए, जैसे कि कल बताया गया था एविडेंस की धारा 43 में आप दृष्टांत को क्या करके जाएंगे, रट कर। तो धारा हम 21 में भी बता रहे हैं पहला दृष्टांत जरूर रट कर जाइए, और दिमाग उल्टा चला कर पढ़िएगा। अब भाई उतना आधा घंटा समझाने में लगेगा, उसका अच्छा उपाय है कि जहाँ से आ सकता है उसी को अटैक करा जाए। तो दृष्टांत पढ़ना है घर पे, पहला जरूर पढ़िए, और वाक बने पहला दृष्टांत और भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए धारा 22 से भी क्वेश्चन यूपी में बना है। देखिए भाई धारा 22 से पढ़ा देते हैं पूरा, क्योंकि तो इधर से आपका पढ़ा जा सकता है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, तो बस दो लाइन लिख लीजिएगा, जब दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, और जब दस्तावेज का कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता हो, द्वितीय। बस दो लाइन याद करके जाना है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु माने उसके अंदर बातें जो लिखी गई, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, तो बस दो लाइन याद करके जाना है, दिमाग नहीं लगाना है इधर आपका, जब दस्तावेज का असली होना क्या हो प्रश्नगत, और दूसरा कौन सा, जब दस्तावेज का कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता हो, द्वितीय। और ज्यादा दिमाग न लगाएगा इधर, नहीं तो फंस जाएंगे आप, ये नहीं कि दो तीन धारा के चक्कर में पूरा उलझा दीजिए। अगला क्वेश्चन आइए 22 ए भी पूछा गया है। 22 ए से पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी, तो आपका जवाब रहेगा, ये जरूर याद रखिए, यूपी में आया तो अंडरलाइन कर दीजिएगा 22 ए, जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो, दोनों ना मार दीजिएगा, अंतर है इसीलिए पूछा जाता है, फिर मैं बता दूं। धारा 22 में क्या देखेंगे, दो बातें, कब सुसंगत होंगी, जब असली होना प्रश्नगत हो, और जब कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता हो, द्वितीय। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में ये दोनों बातें नहीं, कब सुसंगत होगी मौखिक स्वीकृतियां, जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना क्या हो प्रश्न,
और कुछ ना मारिएगा। धारा 23 से भी आपका क्वेश्चन बनता है, UPSU से लेकर तमाम राज्यों में बना है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। पहला क्वेश्चन, एविडेंस की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होगी? तो उन धाराओं में पहली धारा 23 है, कई बार बताया गया है, कहिए तो फिर एक बार मैं बता दूं। धारा 23, धारा 52, धारा 55 अभी बताया गया, धारा 115, 116 और 117 वही छूट गया था बताना। एक लाइन जो हमने स्टाफेल आपका बताया था 115 से लेकर 117 तक, तो विबंध का सिद्धांत आपराधिक मामलों में नहीं लागू होता, केवल किसमें लागू होता है? इसी बार यूपीजे में आया था, वो देखिए हल्का सा तेजी के चक्कर में भाई छूट गया था, लेकिन आपका दे रहा है दुरुस्त है, बता तो दिया गया, एक क्वेश्चन छूटा था। इसके बाद आ जाइए कौन कौन सी धाराएं, छह बता दी गई धारा, तो धारा 23 भी क्या है, केवल किसमें लागू होगी? सिविल की, क्रिमिनल की, दोनों। तो आइए आपका कह सकते हैं कि धारा 23 का जो हेडिंग है और अंदर जो बातें लिखी गई हैं वह दोनों में 36 का आंकड़ा है, तो 36 का आंकड़ा है, तो अभी डायरेक्ट एक लाइन बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन निकालिए। तब पहला क्वेश्चन बनता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति किस धारा में? लिखे भाई उसको, यही पूछा जाता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति किस धारा में? तो आपका जवाब रहेगा धारा 23। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति, अब प्रतिकूल को हिंदी में इतना घुमा देगा, विरोधी प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति, उल्टा प्रभाव डाले बिना, तो घबराना नहीं है, जो भी आए आप सतर्क रहिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा मने एविडेंस की 16 समझौते को मान्यता देती है, प्रश्रय देती है? तो धारा 23 लिखिए, नया क्वेश्चन बन सकता है, यह धारा 16 समझौते को क्या देती है मान्यता? 16 समझौता आ सकता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भी, कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होगी? 23 और तो है ही, लेकिन ये भी पूछा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन इधर से बना है, अंदर से कभी भी क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन फिर भी आपका देख रहा हूँ भाई कि पीछे वाले उठ गए हैं, तो एक उदाहरण बताया जाए, जैसे कि आपका होता है कि आइए करेक्टर और आपका सिविल और चरित्र पर बताएंगे, एक होता है सिविल और एक होता है चरित्र, वहाँ नहीं बताया यहाँ बता दें, तब उदाहरण से, यानी कि सिविल का मतलब कि वास्तविकता, वास्तविकता, और करेक्टर का मतलब ये हुआ कि हाँ क्या हुआ तो नहीं बन रहा क्या पी? चलो देखिए, आपका ये जो आपका मैंने करेक्टर और यही एक लाइन देखिए, तब आपका फिर बैठो आ जाए। सील का मतलब होता है जो आप स्वयं जानते हैं, और करेक्टर का मतलब जो समाज जानता है, तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का सील आपका या तो स्वयं जान सकता है या भगवान जान सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, दिन में कह सकते हैं कि पूरा अपना मैंने सफेद कुर्ता धोती पहनकर और भाई नेतागिरी करता है, या जींस पैंट पहनकर और रात में बहुरुपिया बनकर क्या करता है, डकैती। तो जो रात में करता है कोई नहीं जानता सिर, और जो सब जानता है वो क्या, आपका चरित्र। उसी प्रकार धारा 23 का भी चरित्र है, हेडिंग कुछ और है,
और अंदर कुछ और, यानी कि आपका ऊपर से दिखने में भोला भाला और अंदर से सबसे बड़ा 420। तो बस यही समझ लीजिए कि देखिए हेडिंग क्या बताया गया भाई। हेलो, हाँ क्या हुआ? देखिए उसी प्रकार अभी एक लाइन देख लीजिए ताकि आपका रिपोर्ट जमेदार रहते। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है? तो ऊपर कुछ और लिखा है कब सुसंगत, और अंदर जाएंगे तो कब सुसंगत नहीं, यानी कि बहु रुपया कहा जाता है रंगा सियार, यानी कि देखिए कब सुसंगत नहीं होगी। पर दो लाइन याद रखिए, जब वह स्वीकृति इस शर्त पर की गई है कि इसका साक्ष में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह सुसंगत नहीं होगी बल्कि क्या होगी? विषम। या न्यायालय ये विश्वास देखता है कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि स्वीकृति का प्रयोग साक्ष के रूप में नहीं करेंगे तो ऐसा दो कंडीशन में स्वीकृतियां क्या होंगी सिविल मामलों में? विषम। अब हेडिंग पर न जाइएगा कब सुसंगत, इसीलिए बताया गया, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन अंदर से कहीं पूछा नहीं गया है, बस सिविल मामला और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और अंत में पूछ सकता है सुलह समझौता या मध्यस्थम को कौन सी धारा प्रश्रय देती है, तो कौन सी धारा मार कराएंगे? 23। इसके बाद आइए रेट ले लीजिए भाई, तब चलेगा। आईपीसी भाई चला जाएगा, अभी आईपीसी भी खत्म किया जाए, कम से कम एक तो खत्म हो, क्योंकि भाई बहुत लंबा एविडेंस के देने पर वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आईपीसी अभी 15 मिनट बाद आपका भाई प्रयास किया जा जाए, आईपीसी खत्म हो जाए। कितनी धारा बची है? 13-15-20 धारा, दो चार धारा घर पर ही पड़ी है। तो आई पी सी चल